नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। डूब गया पानी में वसई विरार, 48 घंटे के बाद भी सड़कों पर है पानी, देखेंगे रिपोर्ट। मुंबई में बारिश को थमे 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन वसई विरार क्षेत्र के कई इलाकों में अभी भी जल की निकासी नहीं हुई। गुरुवार को चौथे दिन भी इलाके की बिजली गुल रही। इसके साथ ही मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को दोबारा बारिश शुरू हो सकती है। हम आपको बता दें कि 3 दिन तक हुई लगातार बारिश से मुंबई के वसई विरार इलाके में सबसे ज्यादा जल भराव हुआ था। सड़कें, रेलवे स्टेशन, घर, दुकानें और फैक्ट्रियों में कमर तक पानी भर गया था। इसकी वजह से इलाके में 37 घंटे से ज्यादा समय तक पावर कट रहा। गुरुवार को वसई के 100 फीट रोड, सन सिटी, दीवान मन, साई नगर, पंडित दीनदयाल नगर और अश्विन नगर इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी रही। नाला सुपारा में भी जलभराव की वजह से पावर सप्लाई ठप रही। इलाके के लोग वसई विरार महानगर पालिका को इमरजेंसी में प्रतिक्रिया ना देने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ना ही चुने हुए प्रतिनिधि और ना ही कोई निकाय का स्टाफ यहां देखने तक आया। नाला सुपारा में रहने वाले निवासी राजेश बोरकर ने कहा कि साथ ही यहां बारिश का पानी साफ करने के लिए पंप की भी कमी है। महानगर पालिका को पानी हटाने के लिए पंप की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप इलाके के लोगों को खुद ही प्राइवेट पंप मैनेज करने पड़ रहे हैं। वहीं नगर निकाय का दावा है कि करीब 60 से ज्यादा इलाके में 150 पंप से ज्यादा की मदद से पानी साफ कराया जा चुका है। साथ ही पश्चिमी इलाकों में भरा पानी समुद्र में जाके सूख चुका है। नकली सोने को असली बताकर करते थे बैंक फाइनेंस कंपनियों की लूट, देखेंगे रिपोर्ट। मुंबई और ठाणे शहर में सोने के नकली गहने तैयार करके उसे असली बताकर विविध नकली गहने तैयार करके उस पर सोने की पॉलिश कराकर अनेकों फाइनेंस कंपनियां पदपेढ़ी और नागरिकों के पास गिरवी रखकर सोने पर कर्ज लेने वाले टोली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुशांत निशिकांत सालवी ने अपने मित्र से मध्यस्थता से सोने के पॉलिश किए हुए 81 ग्राम वजन के गहने 23 कैरेट का बताकर शिकायतकर्ता के पास गिरवी रखकर 1,70,000 रुपए लिए थे। शिकायतकर्ता को जब पता चला कि ये गहने नकली हैं, तो उन्होंने कलवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर दी। इसी मामले की जांच करते हुए पुलिस ने सुशांत निशिकांत सालवी को गिरफ्तार किया और उसके द्वारा दिए गए जानकारी के आधार पर उसके साथी रास बिहारी नेता इमाना को चिपलून में सुनार का काम करता है और तीसरी साथी उसका लियाकत अब्दुल कादिर शेख उर्फ राजू सहानी को एरोली में रहते हैं, चौथा अनिकेत चंद्रकांत कदम जो चिपलून में रहता है। इन तीनों को गिरफ्तार करके इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इनसे पूछताछ करने पर पता चला कि इन लोगों ने मुथूट फाइनेंस कलवा, मुथूट फाइनेंस नोपाड़ा, मुथूट फाइनेंस दादर, मुथूट फाइनेंस मंजगांव और रत्नागिरी स्थित लक्ष्मी बाला साहेब नागिरी सहकारी पद संस्था चिपलून, यादव राव घाग ग्रामीण क्षेत्रीय सहकारी पद संस्था दहीवली में सोने का पॉलिश किए हुए नकली गहने गिरवी रख कर उस पर कर्ज लिया था। इसी प्रकार उन्होंने कई नागरिकों को पॉलिश किए हुए 688 से अधिक वजन के नकली सोने के गहने गिरवी रख कर उस पर कर्ज लिया था। इस प्रकार से कुल मिलाकर 13,45,000 रुपए इन लोगों ने नकली गहनों को गिरवी रख कर कर्ज लिया था। जांच करने पर आगे पता चला कि राज बिहारी नीता ने अपने गांव में 1,000 ग्राम के सोने के नकली गहने तैयार किए थे। उसमें से 688 ग्राम नकली गहने अपने साथी को देकर रत्नागिरी, मुंबई और ठाणे परिसर में कुल मिलाकर 7 जगहों पर लोगों को फंसाकर उनसे गिरवी रख कर कर्ज लिया था। राज बिहारी नीता की दुकान पर 551 ग्राम सोने की पॉलिश किए हुए नकली गहने और 1,50,000 रुपए नकद और बनावटी साहित्य पुलिस ने बरामद किया था और पदपेढ़ी में रखा हुआ 449 ग्राम और 48 ग्राम वजन के सोने के पॉलिश किए हुए चांदी के गहने बरामद किए। इस प्रकार सोना गिरवी रखकर कर्ज देने वाली फाइनेंस कंपनियां पदपेढ़ी को सोने का पॉलिश किए हुए नकली गहने 23 कैरेट सोने का बताकर इन आरोपियों द्वारा अलग अलग जगहों पर किए गए अपराध और लोगों को फंसाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आह्वान किया है कि अगर इस प्रकार की धोखाधड़ी हुई है तो पुलिस से संपर्क करिए। यह कार्यवाही पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह, पुलिस सह आयुक्त मधुरकर पांडे, अपर पुलिस आयुक्त क्राइम ब्रांच मकरंद रांडे और अपर पुलिस आयुक्त पश्चिम प्रादेशिक विभाग सत्यनारायण, पुलिस उपायुक्त परिमंडल एक ठाणे
डी एस स्वामी, सहायक पुलिस आयुक्त विभाग रमेश धूमल के मार्गदर्शन में कलवा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शेखर बागड़े और उनके सहकारी पुलिस निरीक्षक अशोक उतेकर, क्राइम ब्रांच पुलिस निरीक्षक तुकाराम पवले, सहायक पुलिस निरीक्षक भंडारे, पुलिस उप निरीक्षक केकाड़े और कलवा पुलिस थाने के अपराध अन्वेषण टीम के अधिकारी पुलिस उप निरीक्षक आई एफ सैयद और उनकी टीम ने अंजाम दिया। ऑटो चालक चाहता है कि उसके बेटी और बेटे के सपने को पूरा करने में लोग मदद करें, देखिए रिपोर्ट। जहां इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले पर टिकी हैं, वहीं बेंगलुरु के भविष्य में क्रिकेट स्टार्स को किन्हीं नजरों की इंतजार है। आरटी नगर के एक किराए के घर में रहने वाले इन स्टार्स को क्रिकेट पिच में आगे बढ़ाने के लिए उनके पिता ऑटो चला रहे हैं। 45 साल के रहमान शरीफ शहर के वह ऑटो ड्राइवर हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी आगे ले जाना चाहते हैं। रहमान ने अपने ऑटो में एक अपील लिखवाई है कि लोग उनके बच्चों को आगे लेकर जाने के लिए उनकी मदद करें। रहमान ने ये अपने ऑटो में एक अपील लिखवाई है। पिछले 26 साल से शहर में ऑटो चला रहे रहमान किराए का ऑटो चलाकर अपने बच्चों को उनके सपनों में रंग भरने का मौका दे रहे हैं। महीने में करीब 15,000 कमाने वाले रहमान के लिए बच्चों की फीस, ऑटो और घर का किराया देने का भी किसी तरह से वे घर चलाते हैं। इसके बावजूद वे अपने तीनों बच्चों को कर्नाटक क्रिकेट अकेडमी भेज रहे हैं। वे कहते हैं, मेरे बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, उन्हें गोल्ड मेडल और ट्रॉफीज जीती हैं। यही वजह है मैंने उनका एडमिशन कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में कराया है। मैं फीस नहीं भर सकता, लेकिन खुशी है कि कोच उन्हें फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं। शरीफ के तीनों बच्चे क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। रहमान खुश हैं कि बच्चों को मुफ्त में ट्रेनिंग मिल रही है, लेकिन आगे की ट्रेनिंग और पढ़ाई दोनों के लिए वे पैसे जुटाने में लगे हैं। उन्होंने बच्चों के लिए स्पॉन्सरशिप चाहिए, इसके लिए उन्होंने अपने ऑटो में अपील की है कि वह लोग उनकी मदद करें। सबसे बड़ा बेटा फजुल्ला 16 साल का है, वह फास्ट बॉलर है और हाल ही में अंडर 16 स्टेट जोनल टीम में उनका चयन हुआ है। बाकी दोनों बच्चे 15 साल की नगमा और 14 साल के रिजवान को भी कोच फ्री में ट्रेनिंग देने के लिए राजी हो गए हैं। नगमा मीडिया पेसर है और रनिंग, डिस्कस थ्रो और शॉटपुट जैसे और खेलों में करीब 15 गोल्ड सिल्वर मेडल मिल चुके हैं। वहीं सबसे छोटे रिजवान स्पिन बॉलर हैं और अभी ट्रेनिंग के शुरुआती दौर में है। KIOC के इरफान सैद भी शरीफ परिवार के उभरते सितारों को लेकर खुश हैं। वे कहते हैं, फजुल्ला और नगमा अच्छा क्रिकेट खेल रही हैं, दोनों अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं और उनका भविष्य सुनहरा होगा। CMSG कुमार स्वामी वापस ले सकते हैं बढ़ाए गए टैक्स, कांग्रेस का उन पर है दबाव, देखेंगे रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के बीच गठबंधन की सरकार पहले बजट को पेश करते हुए मुख्यमंत्री HG कुमार स्वामी ने एक और किसानों को कर्ज माफ किया और दूसरी ओर ईंधन पर टैक्स बढ़ा दिया। खबर है कि अब कांग्रेस CM पर ईंधन पर लगे टैक्स और गरीबी रेखा को नीचे रहने वाले लोगों को अनाज की मात्रा को कम करने के फैसले को वापस लेने के लिए कह रही है। माना जा रहा है कि CM सदन में इस बारे में घोषणा कर सकते हैं। समन्वय समिति के अध्यक्ष सिद्धारमैया ने बुधवार को CM से इन फैसलों को वापस लेने के लिए कहा है, क्योंकि इनका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। गौरतलब है कि कुमार स्वामी ने 5 जुलाई को बजट पेश करते हुए ईंधन कर को 2% बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके साथ ही उन्होंने जन वितरण प्रणाली के तहत हर महीने एक व्यक्ति को मुफ्त दिए जाने वाले चावल को 7 किलो की जगह 5 किलो करने और तुर की दाल को 1 किलो से घटाकर 500 ग्राम करने की घोषणा की थी। इन घोषणाओं से विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के विधायकों से भी विरोध झेलना पड़ा था। JD सीनियर विधायक विश्वनाथ ने CM से बदले हुए कर वापस लेने के लिए कहा था कि जबकि कांग्रेस विधायक ने राशन को कम करने की आलोचना की है। ये सभी मंगलवार को बजट पर सदन पर बहस कर रहे हैं। इस मुद्दे को कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी में बुधवार को उठाया गया, जहां कांग्रेस के कुछ विधायकों ने सीनियर नेताओं से CM पर दबाव बनाने के लिए कहा। पैलेस ग्राउंड्स पर आयोजित कार्यक्रम में दिनेश गुंडराव ने KPCC के नए अध्यक्ष के रूप में भार संभाला। पार्टी कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने CM को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस BJP के राष्ट्रीय स्तर पर ईंधन की कीमतों के लिए लड़ रही है, अगर वह कर्नाटक में कीमत बढ़ा देती है तो हार जाएंगे। तो ये थी दिनभर की कुछ खास खबरें मेरी यानी अंजलि डोगरा के साथ। इतने SBT News, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।